हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैक्योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संसद से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है जो आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की करंट अफेयर्स या अदर वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के नाम से। क्वेश्चन नंबर टू है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संसद के तीन सदन हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर थ्री है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, संसद का स्थायी सदन है? तो संसद का स्थायी सदन होता है फ्रेंड्स राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और लोकसभा इसका अस्थायी सदन होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारतीय संसद बनाती है? तो क्या बनाती है भारतीय संसद? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे बनती है भारतीय संसद? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के तीन अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है, तो फ्रेंड तीसरा अंग हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो तीन अंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कहा गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित सदनों में से कौन असत्य है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये गलत है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? राइट आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही हो जाएगा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? तो निम्न सदन है हमारा लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह की अवधि का। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ए भारत, नंबर वन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्न कूटों में से सही उत्तर चुने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चौथा वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 21 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक का कौन बुलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर यह बैठक होती है। नेक्स्ट है,
संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, क्या निम्न होता है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान करेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी कि अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार ये बैठक बुलाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय क्या होता है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल का। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे? 60 दिनों तक। अगर वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में से क्या कथित है? नंबर 1, निम्न में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। तो कौन सा वाला हमारा इसमें से सही है, कौन सा गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हमारा केवल दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 जो है उसमें मीटिंग में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के अधीन रहकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। नेक्स्ट है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल 1952 तक। नेक्स्ट है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है,
संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद का नियंत्रण है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय संसद से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।